और कई बच्चे ये पूछते रहते हैं सीटी कब आएगा, सीटी कब आएगा, जो अपने, मैं इन मिनिस्टरों का नाम ध्यान भी नहीं रखता यार, जो भी अपने मिनिस्टर हैं कंसर्न्ड उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 के अंदर हम एनआरए का गठन कर देंगे। इसका मतलब पता है क्या है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, यानी कि जो कमीशन है, जो संस्था है, एनआरए क्या है, संस्था, वो संस्था जो आपके पेपर करवाएगी, तो इस संस्था को बनाएंगे वो उस दिन, समझ रहे हो। आप बोल रहे हो कि सर मिठाई कब मिलेगी, मार्च 2022 में हलवाई आएगा, फिर वो बाद में मिठाई बनाएगा, समझ गए बात क्या है। उस दिन पेपर बनाने वालों का गठन होगा, उस दिन अपनी जो संस्था, उस दिन का क्या मतलब, तब तक, तो उसके बाद वो कब पेपर बनाएंगे तो उनको टाइम लगेगा ही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगले साल का, जो कि मैं पहले से बोल रहा था, अगले साल का सीजीएल, सीएचएसएल, ये जितने भी एग्जाम हैं ये एसएससी ही कराएगी, सीईटी के चक्कर में अभी मत रहो। मोस्ट प्रोबेबली 2022, जैसे एसएससी सीजीएल 2021, वो जो एग्जाम का टैग है वो एसएससी ही कराएगी, एसएससी सीएचएसएल 2021, हालांकि होंगे वो 2022 में। उसके बाद वाले, अगर हमारी सरकार में थोड़ी शर्म बची है, तो उसके बाद वाले शायद सीईटी करवा दे, ठीक है जी।